हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं एक वाओ के प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ। सो आज मैं बात करने वाली हूँ इस वीडियो में वाओ के सनस्क्रीन का। एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, सो दिस इज़ वाओ स्किन साइंस वेरी हाई ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूवीए एंड यूवीबी प्रोटेक्शन सनस्क्रीन मैट फिनिश। SPF 55 के साथ आता है, ये PA++ के साथ आता है। एंड दिस इज़ स्किन शील्ड ऑल स्किन टाइप प्रोडक्ट, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है ये। एंड ये 100 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी है, मेड इन इंडिया है, और जो इसका प्राइस है वो है 499। ये आपको बड़ी पैकेजिंग में भी मिल जाएगा। दोस्तों, वाओ के प्रोडक्ट के बारे में मैं बता दूँ, वाओ के प्रोडक्ट 100% नेचुरल होते हैं, क्रुएल्टी फ्री होते हैं, नो एनिमल टेस्टिंग के साथ आते हैं, इनमें कोई हार्श केमिकल्स नहीं होते हैं। सो ये कम्प्लीटली पैराबेन फ्री है, सिलिकन फ्री है, मिनरल ऑयल फ्री है, ऑक्साइड कलर फ्री है, एंड बेंजोफिनोन फ्री है, वाटर रेजिस्टेंट है, SPF टेस्टेड भी है दोस्तों ये। और ये रास्पबेरी एक्सट्रैक्ट, कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट एंड एवोकेडो ऑयल के साथ आता है। इसमें नेचुरल सन ब्लॉकर्स है जो नेचुरली सन के रेज को ब्लॉक करते हैं और आपके स्किन को सन प्रोटेक्शन देते हैं। सो दिस इज़ द पैकेजिंग और ये पूरी तरह से सील आया है दोस्तों। वाओ के प्रोडक्ट आपको वाओ के ऐप में मिल जाएंगे। वाओ का एक ऑफिशियल ऐप आता है जिससे आप वाओ के प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। वाओ के ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप इसको ले सकते हैं। आपको ये purple.com, नायका, अमेजोन, फ्लिपकार्ट हर जगह मिल जाते हैं वाओ के प्रोडक्ट्स आपको दोस्तों। सो कुछ इस तरीके की इसके पैकेजिंग है, आप देख सकते हैं। और ये जो लोगो है ये वाओ की ऑथेंटिसिटी को मार्क करता है। आप देख सकते हैं वाओ के प्रोडक्ट्स पे इस तरीके का लोगो होगा तो ये वाओ का ओरिजिनल प्रोडक्ट है। अगर इस तरीके का लोगो नहीं होगा तो आप समझ जाइएगा कि वो डुप्लीकेट है या तो फिर यूज प्रोडक्ट है, तो आपके साथ धोखा हुआ है। सो बेसिकली दिस इज़ द ऑथेंटिसिटी लोगो ऑफ वाओ प्रोडक्ट। बाकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसकी कोई आउटर पैकेजिंग नहीं आती, इसी तरह की पंप की बॉटल आती है और इसी तरीके से मुझे ये डिलीवर हुआ है दोस्तों। वैसे मैंने इसको purple.com से लिया है दोस्तों। सो इसका बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ज़रूर दे दूँगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके और भी चीज़ों के बारे में। इसके इंग्रेडिएंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी छोटे छोटे हैं तो आपको कैमरा में विजिबल नहीं होगा। और इसमें यूवीए यूवीबी रेज से प्रोटेक्शन है। SPF 55 है, हाई ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। यूवीए रेज आपको स्किन के अंदर तक जाकर स्किन को डैमेज करते हैं, फाइन लाइंस देते हैं, एक्ने देते हैं, स्कार्स देते हैं, तो ये यूवीए से प्रोटेक्शन देगा तो आपको आपकी स्किन अंदर से डैमेज नहीं होगी। यूवीए प्रोटेक्शन भी देता है, यानी आपको टैनिंग नहीं होगी आपके फेस पर दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और ये नॉन ग्रीजी है, बिल्कुल मैट फिनिश है इसकी। और इसमें आपको कैरेट सीड्स के एक्सट्रैक्ट भी मिल जाते हैं, एवोकाडो ऑयल मिल जाता है, रास्पबेरी के एक्सट्रैक्ट आपको इसमें मिल जाते हैं दोस्तों। 100% नेचुरल है ये। SPF 55 बहुत ज़्यादा होती है, हम लोग मैक्सिमम आपको यूज़ करना चाहिए SPF 50। अगर SPF 55 मिल रहा है इस प्राइस में तो बहुत ही अच्छा है ये दोस्तों। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। इसको हर 15 to 20 minutes में आपको इसको 15 to 20 minutes सन से निकलने से पहले आपको इसको अप्लाई करना है और हर 30-40 minutes में आपको इसको अप्लाई करते रहना है दोस्तों। सो और सनस्क्रीन हमें घर पर हो चाहे बाहर हो, हर जगह हमें अप्लाई करना चाहिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए अब हम इसका टेक्स्चर देख लेते हैं। सो गाइज, ये है इसकी पैकेजिंग, प्लास्टिक की बॉटल है और थोड़ी थोड़ी ट्रांसपेरेंट भी, आप देख सकते हैं आपका प्रोडक्ट अंदर में है। और ये कुछ इस तरीके से लॉक है, तो हम इस तरीके से इसको इधर घुमाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा, इस तरीके से इधर मूव करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको ओपन कर लेते हैं और मैं देख लेती हूँ इसका टेक्स्चर कैसा है, ये कितना मैट फिनिश है दोस्तों। तो काफ़ी ज़्यादा निकल आया है ये। सो गाइज, ये है इसका टेक्सचर जिस तरीके के सनस्क्रीन होते हैं, और ये बिल्कुल मैट फिनिश है, एकदम नन ग्रीजी है, ऑयली सी फीलिंग नहीं देगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। समर्स, विंटर्स, सारे सीज़न में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना मैट फिनिश है। तो अभी मैं आपको इसको अपने फेस पर भी अप्लाई करके दिखाऊँगी कि किस तरीके का लुक देता है आपके फेस के ऊपर। सो गाइस, अब मैं करने वाली हूँ इस सनस्क्रीन को अप्लाई, और मैंने इसे अपने हैंड्स पे थोड़ा सा ले लिया है। मैं थोड़ा सा डॉट डॉट करके पहले अपने फेस पर लगा लूँगी और उसके बाद इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। सो ये सनस्क्रीन वैसे बहुत ही अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा मैटिफाइंग है, बिल्कुल भी ऑयलीनेस फील नहीं होता है, ग्रीजीनेस फील नहीं होता है, बहुत ही अच्छे से फेस को अच्छा प्रोटेक्शन भी देता है और सबसे अच्छी बात कि ये मैटिफाई भी करता है, साथ ही साथ स्किन कहीं ना कहीं मॉइस्चराइज भी हो जाती है। तो हमें बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन को ब्लेंड नहीं करना होता है और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी फेस ऑयली स्टिकी नहीं लग रही है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी और स्मूथ
लग रही है। वैसे तो मुझे ये सनस्क्रीन काफ़ी अच्छा लगा एंड इट्स रियली नाइस। प्लीज़ आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा। मुझे इंस्टा और ट्विटर पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय दोस्तों।